दोस्तों मेरे चैनल मैरिज प्रपोजल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपकी होस्ट हीरा चौधरी एक बार फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पसंद की शादियां देर पा रहती हैं या कि घर वालों की रजामंदी से जो शादियां की जाती हैं वो देर पा रहती हैं। दोस्तों लंदन के एक शुमारे में कहा जाता है कि आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि पसंद की शादियां हमेशा खुशी का बायस बनती हैं और घर वालों की जानिब से तय करदा शादियों के मुकाबले में अपनी पसंद से की जाने वाली शादियां ज्यादा देर पा साबित होकर हमेशा के लिए खुशियों का पैगाम लाती हैं। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। माहिरीन का कहना है कि अक्सर तयशुदा शादियां पसंद की शादियों की निस्बत ज्यादा देर पा होती हैं और घर वालों की जानिब से और उनकी मर्जी से शादियां करने वाले जोड़ों में वक्त गुजारने के साथ साथ प्यार और मोहब्बत में इजाफा होता है और शादीशुदा जोड़ों के मुकाबले में यहाँ बेजारी और उकताहट का शिकार होने के अमकानात कम होते हैं। दोस्तों शादी का फैसला जिंदगी के अहम तरीन फैसलों में से एक होता है और इसी वजह से कहा जाता है कि जिंदगी में जहां तालीम हासिल करने और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए कई कई साल तक मनसूबाबंदी की जाती है, वहीं शादी जैसे संजीदा फैसले के लिए पुख्ता जहन और बालिग नजरी का मुजाहरा करते हुए बाकायदा मनसूबाबंदी जरूरी होती है। प्यारे दोस्तों बरतानवी माहिरीन ने शादीशुदा जोड़ों पर 10 साल तक तहकीक करते हुए ये साबित किया है कि मोहब्बत की शादियों के नतीजे में एक होने वाले जोड़ों में वक़्त गुजारने के साथ एक दूसरे से नफरत, दूरी और गलत फहमी पैदा होने के अमकानात इन जोड़ों के निस्बत कई गुना ज्यादा होते हैं, जो घर वालों की मुनासिब मनसूबाबंदी और सोच विचार के बाद शादी के बंधन में मुंसलिक होते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि शादी के फैसले में जब सिर्फ मोहब्बत का जज्बा मगलूब दिखाई दे तो ऐसी शादियां बहुत कम उम्र पाती हैं, क्योंकि मोहब्बत में हमेशा इंसान दिमाग की बजाय दिल से सोचता है और दिल कभी भी महबूब की बुराई करने, सुनने या इसकी खामियां तलाश करने की इजाज़त नहीं देता, जबकि इसके बरक्स तयशुदा रिश्तों में जज्बात से ज्यादा सोच विचार और ठंडे दिलो दिमाग से काम लिया जाता है। इसलिए ऐसे रिश्ते लंबी उम्र पाते हैं और मोहब्बत में भी मुसलसल इजाफा होता रहता है। जी तो प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।